देश में आयाती तेलों के दामों में भारी गिरावट रहने के चलते देसी तेल तिलहन के भाव में भी दबाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल, बिनोला, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि सरसों, मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन में कोई बहुत ज्यादा उठापटक फिलहाल नहीं दर्ज की गई। दरअसल सूरजमुखी तेल के दाम में भारी गिरावट बनी हुई है, जिससे देश में तेल तिलहन के दामों पर भी भारी गिरावट का दबाव है। देश में तेल पिराई मिलों को सस्ते आयात के सामने पिराई के बाद तेल की लागत अधिक बैठने से पिराई में नुकसान हो रहा है, और वहीं किसान नीचे भाव में बिक्री के लिए मंडियों में बहुत सीमित मात्रा में अपनी उपज ला रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार सूरजमुखी के साथ साथ सभी खाद्य तेलों पर अधिक से अधिक आयात शुल्क लगा दे, क्योंकि देश में अभी सूरजमुखी की बुआई होनी है और आयाती तेल के दाम सस्ते बने रहे तो अधिक लागत आने के डर से किसान इस फसल की बिजाई नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरसों, बिनोला और मूंगफली की भी पेराई में पेराई मिल वालों को बाजार भाव के मुकाबले लागत अधिक बैठ रही है। ऐसे में आयाती तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने पर सरकार को विचार करना चाहिए, जिससे देश को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।